बोट की तरफ से आने वाली ये बोट रॉकर हेडफोन जो कि आप सभी को बहुत पसंद है। शुरू है, ठीक है, ये आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना कि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में ओपन करते हुए हमें कुछ, तो ये आप देख सकते हो बॉक्स में हमें कुछ ऐसा हेडफोन दिखता है और ये कुछ ऐसा बोट रॉकर्स के नाम से आता है जो कि 518 है। ये वायरलेसली काम करता है। तो बॉक्स में मैं दिखाऊं तो आपको इस साइड में थोड़े से दिखते हैं और इसमें आपको बहुत बड़ा हेडफोन छपा हुआ दिखेगा। और पीछे की दिखाऊं तो मैं पीछे इसमें सारा कुछ जो मेंशन रहता है, इसमें आप लैपटॉप कंप्यूटर पल फोन एंड्रॉइड फोन हर तरह से आप कंप्लीट इसको कनेक्ट करा सकते हो। ओपन करते हैं इसे, तो ये कुछ ऐसा दिखता है हेडफोन। और आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसकी साइड की जो कलर है ये बहुत इन्हेंस लुक देता है। और बॉक्स के अंदर की बात करो तो बॉक्स में हमें एक, इसमें आप देख सकते हो जैक टू जैक दिखता है जो कि आप एक हेडफोन में लगा के आप इसमें कहीं भी लगा सकते हो, जिसे आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो एक और मिलता है जो कि आपको एक माइक्रो USB प्लस टाइप 2 के साथ चार्जिंग केबल मिलता है। इसकी वायर की लंबाई भी लगभग बहुत बढ़िया है। और अंदर की बात करूँ तो इसमें हमें वारंटी कार्ड भी मिलते हैं जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और प्लस इसके साथ कुछ डिटेल्स बुक मिलते हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बॉक्स में हमें और कुछ नहीं मिलता है, बॉक्स में कुछ ऐसा ही रहता है। तो बात करूँ हेडफोन की, तो हेडफोन तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी है जो कि आपको थोड़ा आवाज़ बाहर की कम आएगी। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और इस साइड में दिखाऊं तो इसमें आपको लेफ्ट साइड राइट साइड का भी ऑप्शन दिखेगा। इसमें अंदर भी आपको ब्रांडिंग रॉक का दिखाई देगा, इसमें आपको बोट का दोनों तरफ लोगो भी दिखाई देगा। ऊपर भी कुशनिंग का यूज किया गया है जिसमें हमारे सर दर्द नहीं होगा, साइड में दोनों साइड तो कुशनिंग का यूज किया ही है। इसमें आपको ऊपर बोट की ब्रांडिंग भी दिखेगी। इस साइड बटन की बात करूँ तो साउंड अप एंड डाउन का ऑप्शन है और म्यूजिक आगे और पीछे करने का भी ऑप्शन है। जस्ट साइड बगल की बात करूँ तो इसमें आपको कॉल कट और कॉल पिक करने का भी ऑप्शन है, यहाँ से ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है। आपको यहाँ पे एक लाइट भी दिख रहा होगा जो कि ये लाइट ब्लिंक करता है ब्लू एंड रेड कलर में। आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिलता है जो कि आप म्यूजिक सुन सकते हो। और इस साइड आपको USB चार्जिंग का केबल है जो चार्ज कर सकते हो। वैसे इसकी बैकअप की बात करूँ तो ये आपको 7 से 8 दिन का बैकअप दे देता है अगर आप थोड़ा कम यूज करते हो। अगर आप बहुत हैवी यूजर है तो आपको ये 4 से 5 डेज का बैकअप दे देगा। म्यूजिक क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर हमें बेस भी अच्छा खासा मिलता है, इसमें कुशनिंग भी अच्छी खासी देती है, इसमें हमारे सरों में दर्द नहीं होता अगर इसको हम पहन के ज़्यादा देर यूज करें। तो अगर परचेस की बात करूँ तो आप परचेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया हेडफोन मुझे लगा। तो ऐसा ही कुछ छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो था जो कि आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो कम करते हैं, ओके बाय।